अभी आपने ये बात कही कि रियल आप रियल एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे आपने कहा कि वो समझता है कि मैं उठने को कहूँगा तो उठ जाएंगी मैं कहूँगा बैठने को कहूँगी तो बैठ जाऊँगी मैं उस वक़्त से ये सोच रही थी लेकिन इससे भी बुरी बात एक और भी हो सकती है एक तो आपने तो कहा वो ऐसा कर ही नहीं सकती सारा एक इंसान एक हद तक ही मशीन की तरह एक्ट कर सकता अव्वल तो ये पॉसिबल है नहीं चलिए हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं पॉसिबल है वो कोई बहुत ही राबिया बसरी या कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉडनरी शख्सियत की है कि उसने वो उठना बैठना कर लिया आपके समय पर लेकिन होता ये है कि जब वो उठना बैठना कर लेती तो अचानक आपको एहसास होता है ये तो मैं से मांग ही नहीं रहा था हेयर कम्स व अभी आपने ये जो वन मिलियन रुपए की ऑफर की है ये यहीं पर आ गई है हमारा एक बहुत बड़ा मसला है दोनों साइड से हमें अमूमन पता नहीं होता हम एक दूसरे से चाहते क्या है मेरे पास एक बहुत ही बेटर जो है वो तलाक का केस आया और उसके अंदर जो हैं वो सारी ससुराल इन्वॉल्व थे जो हस्बैंड थे वो घर के बड़े थे माँ बेवा थी माँ जो है वो छोड़ नहीं रही थी बीवी को वो जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही थी उनको सिर्फ एक ही यही था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा नहीं। तो हमें समझ आ रही है कि पूरी की पूरी रेसिपी तैयार है वो खीर पकने वाली ठीक है लेकिन उसके अंदर जो है जब ये बात होती है जैसे कि मोहम्मद अली अभी आपने कहा कि जब इन दोनों को बिठा इन दोनों से अलग अलग मिला चाहिए बड़े सेंसिबल लगते हैं जब इन दोनों के साथ जब बात की जाती हर एक आठ आठ आंसुओं के साथ रो के ये कहता कि मैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार लेकिन दूसरा नहीं मान रहा सही अच्छा हमने उनके हस्बैंड से पूछा क्योंकि हस्बैंड की तरफ से ज्यादा इेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी वो नहीं आ, दे पा रहे थे वाइफ को वो वाला मकाम जो वो मांगती थी तो वो हस्बैंड ने हमें जो बड़ी लंबी चौड़ी बात करने के बाद जो बात उसने कही तो जिसके बाद फिर हम लोग उठ गए थे हमें समझ आ गया था हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते जब हमने उनकी सारी वो शिकायतें उल्टी सीधी वगैरह को कर दिया और बाद में बात ये निकली कि ही वॉज वेरी मच इन लव हिज वाइफ और उनको उनसे कोई शिकायत नहीं थी सिवाय इसके कि बस मेरी माँ को खुश कर दो ना वो जो मेरी माँ की इनसिक्योरिटीज़ हैं किसी तरह उनको सिक्योर कर दो ना अब ये तो इस बिचारी के मेरे मेरा तावीज़ों और वो मंत्रों के साथ भी बस में नहीं <laughs> आप समझ रहे हैं ना सही. तो ये जिम्मेदारी और आपको मैं बताऊ हम फिर उठ गए और अल्लाह माफ करे फिर उन लोगों की बहुत यानी खराब हुई अलग वो हो नहीं सके बच्चे उनके थे हुँ, हुँ, हुँ. और उनके भी उनको अलग होने की भी उनको समझ नहीं आई कि हमें वहां पर भी हम चाहते क्या हैं इतनी अगर कोई नफरत और वो होती तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को बहुत देर पहले एंड कर देना चाहिए

ठीक है ना में क्योंकि है हमें पता है, है इनसिक्योरिटीज तो खुद बकायदा एक मर्ज है ना अगर फर्ज करो बिचारी ये वाली होनी नहीं कर पाती एटलीस्ट उसकी शादी पे इसका असर नहीं होना चाहिए exactly. है ना, ना? ब, बिल्कुल यही मैं, कि एक्सपेक्टेशन अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया ना कि उसकी ड्यूटी है कि मेरी वालदा की खिदा करेगी तो फिर एक्सपेक्टेशन जब टूटेगी तो आपकी जो एक मसनू ईगो है वो हर्ट होगी लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर ये नहीं करती है फाइन लेकिन कर देती है देन देन लेट मी सी के हाउ कैन आई डू बेटर दैट फॉर हर अच्छा ये दो पर्सपेक्टिव्स है ना एक तो उर्फ कल्चरल हमारा जो एक वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं देखें ईस्टर्न माइंडसेट आप जो मर्जी कर लें उसको आप चेंज नहीं कर सकते जिन मर्दों का ईस्टर्न माइंडसेट है ईस्टर्न और वेस्टर्न माइंडसेट ये दो टर्मिनोलॉजीज कोर्ट लैंग्वेज में भी होती हैं यानी ईस्टर्न माइंडसेट से मुराद है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घर वालों को पूछे यहीं रहे मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहें वगैरह वगैरह वेस्टर्न माइंडसेट थोड़ा इंडिपेंडेंस वाला वो उस तरफ चले जाते हैं तो इस्लाम की बात करें तो बड़े क्लियर कट जो है वो ना अहकाम हैं कि सास ससर जो है उनका नहीं है फ़र्ज़ उनको उनकी देखभाल उनकी खिदमत करना खातून पर लेकिन कल्चरली हम देखते हैं तो बहुत सेंसिटिविटीज़ हैं इस हवाले से मर्द भी बहुत सेंसिटिव है और उसकी माँ भी बहुत सेंसिटिव है उसका बाप भी बहुत सेंसिटिव है तो वेयर टू स्ट्राइक द बैलेंस क्योंकि मुझे ये नजर आता है जितना मैंने देखा है रिजिडिटी बहुत है यानी वो जो सीख लिया ना उन्होंने उससे वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं है कोई मिडल पाथ पे आने के लिए वो तैयार ही नहीं है देखिए ये जो आपने बात की ना बड़ी अहम बात कही है मैं कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के हवाले से मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ मेरी बेटी पैदा हुई फिर मेरा बेटा पैदा हुआ सही। दोनों में तकरीबन कोई तीन साल का फर्क है मुझे लोगों की दुआएं भी याद हैं और मैं हैरान हो रहा था कि मेरी बेटी के पैदा होने और बेटे के पैदा होने लोगों की दुआएं भी एक जैसी थी। नहीं। नहीं। मेरी बेटी पर अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे बेटे के बारे किसी ने कहा नसीब अच्छा ना बिल्कुल कल्चरली हमने ये चीज़ इनग्रेंड की हुई है कि बेटी जो है वो एक ऐसी मजलूम सी चीज़ है कि लक पे डिपेंड करती है अच्छी होगी भाई जो दीन मैंने सीखा है मुझे तो कमज़ोर का तस्वर नजर ही नहीं आया उसमें तो एक तो ये प्रॉब्लम है, है। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि हमने अपने कल्चर को ये समझ लिया है कि जो बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दीन और कल्चर का रिलेशनशिप ये बना दिया है कि कल्चर का फ्रेम है जिसके अंदर दीन को कहीं कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं जहाँ से अच्छा लगता है और जब सब कोई अच्छा लग रहा हो तो फिर हर आदमी अपना राइट क्लेम करेगा तो मैं मैं देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे आ, ये कल्चर में बन गया है कि नई वालदेन जो हैं उनकी खिदमत बीवी ने ज़रूर करनी ही करनी है तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम दोबारा अपनी फितरत की तरफ वापस मेरी अपनी एक सही है कि रब के निज़ाम में करप्शन करने की कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर से सुकून ख़त्म हो जाता है नहीं, और नहीं, जिस इंसान के अंदर से सुकून ख़त्म होता है ये बहुत बड़ी सज़ा है लेकिन अल्लाह का तो ये सिस्टम शुरू से यहाँ होता है सही. अब रब का निज़ाम य है कि भाई आप मियाँ बीवी हैं आपके सर्टन हकूक हैं आपके सर्टन फ्राइज़ हैं जो आपने पूरे करने हैं उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें हैं एज एन ऑप्शन मॉरली आप करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है दीन में इंक्रेज आपको किया जाता है कि आप अपने हस्बैंड के वालदेन के भी आफ्टर करें अपने को जो आपने करनी है यू you नो know, ये मेरा मेरी मर्जी वाला तबका कि अपना खाना खुद गर्म करो और मैं ये वो वगैरह वगैरह इस तरह की जो हरकतें करती हैं आई ऑल क्वेश्चन कि अगर आप एक बस होस्टस बन जाती हैं और पूरे बस को आप चाहे सर्व कर सकती हैं तो आप अपनी सास को क्यों नहीं कर सकती हुँ, अपनी इस्लामिक लीगल क्वेश्चन अ मॉरल क्वेश्चन जो हर रोज़ की जिंदगी के लिए है लेकिन अगर वो नहीं करती तो हस्बैंड को ही पता होना चाहिए कि ये अगर कर रही है तो एक्स्ट्रा मायल है अगर ना करें तो इसकी रिस्पॉसिबिलिटी नहीं है इसका एक ही चाहिए इसका सोलूशन ये है मैं तो इस चीज़ पर बड़ा कायल हूँ कि देखें Uh, आजकल का मुझे पता नहीं है हमारे uh, स्कूल के ज़माने में ख़वान के लिए एक सब्जेक्ट हुआ करता था होम uh, इकनॉमिक्स का कि जिसमें uh, उनको बताया जाता था अमूरे घरदारी एंड सऊर्थ वी आई थिंक उज ब्रिलियंट उसको अगर रीडिज़ाइन किया जाए मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी कि शादी का देखें दुनिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि आई बिलीव सऊदी अरब के कुछ इलाक़ों का डेटा मैं देख रहा था कि जहाँ पे तलाक की शरह बत्तीस परसेंट थी लेकिन जब शादी से पहले इनकरेज किया कि कोर्स कर लें पता कर साइकोलॉजिकली एक दूसरे को कैसे गा, गा, किया है एंड डाउन तो मैं समझता हूं कि इसका तरीका कार्य ये है कि जो स्कूल की एजुकेशन है उसमें यह कंपलसरी कर दें कि एक आइडियल हसबेंड वट टेक For um, uh, for you you to to become become an an ideal ideal husband, सही. and what does it take for you to become an ideal wife? clear फिर शादी करें ताकिंगीज़ तो होगी ये आंटी जो इन्होंने बात की कि देखें मर्द को understanding होनी चाहिए कि अगर वो नहीं करती तो ये ठीक है इस्लाम ने फ़र्ज़ नहीं किया उस पर खिदमत लेकिन मर्द इसके काउंटर में क्योंकि मैंने बात उन्हें की हुई है वो कहते हैं कि देखें ये कहना बड़ा आसान है लेकिन प्रैक्टिकली ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ है क्योंकि वो कहते हैं हमारे दिल पे सोचें क्या बीतती है जब हमारी वाइफ बात भी करना पसंद नहीं करती हमारे घर वालों के साथ तो अब हम वहाँ पे चुप तो नहीं बैठ सकते वहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि चलो टॉलरेंस दिखाते हैं तो इस पर मेरा ख्याल औरतों की साइड पर भी रिजिडिटी है अगर मर्दों की साइड पर है ये वाली बात कहना कि हमारी वाइफ हमारी वालदा से बात भी नहीं करना पसंद करती ये तो आप राह गुजरते किसी शख्स के बारे में भी नहीं इसकी इजाज़त दे सकते आप सय के बारे में भी इजाज़त नहीं दे सकते कुछ आ के की वालदा के बारे में तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज़रा थोड़ा सा आपने एक्सट्रीम केस पेश किया है इससे पीछे पीछे आ जाइए क्योंकि इसकी तो हम में से कोई भी इजाज़त नहीं देगा ठीक है ज़रा इससे पीछे पीछे आ जाइए जहाँ पे हम दोबारा ब्रदर की जो है ना वा एक्सपेक्टेशन वाली बात पे आ जाते हैं वालदा की एक्सपेक्टेशन क्या है और शौहर की एक्सपेक्टेशन क्या है कीप इट रियल ये प्रॉब्लम है एक तो ह्यूमैनिटी के दायरे के अंदर रखें दूसरे इस सोच को भी साथ रखें कि ये उसकी बुनियादी और फार्मो जिम्मेदारी नहीं है उसकी बुनियादी और फार्मो जिम्मेदारी उसका हस्बैंड और उसके बच्चे ही हैं ठीक है बाकी ये है कि शी नीड्स टू तो बी नाइस शी नीड्स टू तो बी अवेलेबल ठीक है लेकिन उसको थोड़ा सा हमें ज़रा लोयर करनी पड़ेंगी एक्सपेक्टेशन हम उनको और आप देख लीजिए हमारे मुआरे में लोयर नहीं होती अभी मोहम्मद अली आपने एक बात कही कि वीस्टर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न जो परस्पेक्टिव है इनमें डिफ्रेंस है ऐसा नहीं है मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊँ कुछ मेरा ऐसे भी काउंसलिंग के केसेस से रबाता रहा है जो नॉन मुस्लिम भी थे और वेस्ट में भी बैठे हुए थे यानी मुसलमान भी नहीं थे और उसमें भी थे आपको अजीब बात बताओ कि वहां की भी सासें ऐसी बिहेव करती हैं बिलीव करें वो इतनी हंसी आती थी कि ये पता नहीं डीमन से क्या करके आई है इसने मेरे बेटे को फ्लाह खिला दिया फ्लाह फला है ना तमीज डाल दी और मैं कहती थी, थी मैं तो पहले शौक में रह गई कि ये 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 कौन सी सास है ह्यूमन येमन है क्योंकि वो टग ऑफ वॉर तो हो जाती है ना जब बीवी आ जाती है तो माँ को फिक्र पड़ जाती है ना तो इसी तरह जब माँ की थोड़ी सी बनने लगती है बीवी को फिक्र पड़ जाती है अच्छा असल में होता ही है कि मुझे ये समझ आती है जो एक खातून की हैसियत से क्योंकि मैं बहू भी रही हूँ और सास भी हूँ मुझे यह समझ आती है कि यहाँ पर जो है ना मर्द को एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने की जिम्मेदारी होती है उसको हर जगह पे लाइनें ड्रा करनी है माँ को भी करके देनी है बीवी को भी करके देनी है और यह लाइनें ड्रा करना आसान काम नहीं है सही।

अच्छा सबसे पहली बात तो यह है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करे कि ये मैं नहीं करना है नॉर्मली तो ये होता है हमारे माशरे में वो समझते हैं कि नहीं ये तो बीबी और माँ खुद ही लड़ भिड़ के खुद ही आपस में सेट कर लेंगी दूसरी बात यह है कि अगर वो माशरे वो लाइनें लगाने लगे और जैसा कि आपने कहा तो उसकी लाइनों को कबूल कौन करेगा क्वेश्चन ये आ गया ना आप ये मुझे बताइए आप अपने घर के बड़े आप अपनी औलाद के लिए जो लाइनें लगाते हैं उसको कबूल कौन करता है ठहर जाइए इससे भी पीछे आ जाइए थोड़ी सी उस तरफ आ जाइए हम रियलिटीज की तरफ आए आप ऑफिस में जिस ऑफिस में काम करते हैं जिन जिन लोगों के आप बॉस हैं उनके लिए जब आप लाइनें लगा लगाते हैं तनख लेके भी वो आपकी लाइनें कबूल नहीं करते सही। आपका अपने विजन पर यकीन होता है सही। अपनी पोजीशन में आपको कॉन्फिडेंस होता है और आपको कांस्टेंट स्ट्रगल करनी पड़ती है टू मेक दम रियलाइज कि यू वर बॉस देयर वन थिंग्स। एक तो पहली बात है कि बॉस मैं, मैं ही हूं इधर जाऊँ उधर जाओ मैं प्यार से बोलूँ नखरे से बोलूँ आराम से बोलू बॉस मैं ही हूँ एक तो अपनी अपनी हैसियत को आपने मनवाना होता है ठीक है और ये आप कितनी खूबसूरती से करते हैं ये आपकी उस पर डिपेंड करता है ठीक है लेकिन आपकी हैसियत बॉस की है और दूसरी बात है आपने अपना जो विजडम है और उसके पर भी दूसरों को कन्विंस करना होता है कि मैं जो बात कह रहा हूं कि मेरी बात सही भी सही है। सही, और है। ये मैं आपको बता दी कि बहुत जान गसल जो है ना वो जिद्दोजहद है इसके लिए सबसे पहले जो अपनी जात का कंट्रोल चाहिए होता है इसीलिए आप ये देखिए कि मियाँ बीवी के झगड़ों में जो अल्लाह ने कहा है ना कि फ़ायजू होना के बाद जो है वो उनके ख्वाबगाहों में अलहदा कर दो इधर हकीकत यहाँ पर ये वो चीज़ आती है कि पहले अपने आप को संभाल लो और ये खातन अक्सर कहती भी हैं कि वॉक द टॉक यानी मर्द जब ये करेगा तो फिर उसकी इज्जत तो भी कमांड भी करेगा ये बिल्कुल आपने सही बात की